सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज कई अहम फैसले दिए जिन्होंने मुल्की सियासत ही नहीं इक्तदार के ऐवानों को भी हिलाकर रख दिया। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। जुमे का दिन अहम अदालती फैसलों का दिन। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया चंद वर्ष के दौरान जुमे के दिन कई अहम फैसले दिए। 20 जुलाई 2007 बरोज़े जुमा सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली का फैसला सुनाया। 31 जुलाई 2009 को जुमे के दिन ही अदालत उज़्मा ने साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया। 28 जुलाई 2017 बरोज़े जुमा सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस का फैसला सुनाया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया। इस फैसले ने मुल्की सियासत का रुख बदल दिया। 15 दिसंबर 2017 को जुमे ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुतालिक भी अहम फैसला दिया। असासे जाहिर न करने के मुकदमे में बानी पीटीआई को क्लीन चिट मिली। तहान जहांगीर तरीन को अवामी ओहदे से नाअहल करार दिया गया। 13 अप्रैल 2018 बरोज़े जुमा आईन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह से मुतालिक केस का फैसला हुआ। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को ताहयात अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया गया। 6 जुलाई 2018 को जुमे ही का दिन था जब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर को सजाए सुनाई गई।